हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस क्लास में आज हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि उसका उसकी तुम्हारा तुम्हारी हमारा हमारी मेरा मेरी उनका उनकी से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और उसे हमने बहुत सारे सेंटेंसेस भी बताए थे प्रैक्टिस के लिए, और होमवर्क के लिए भी हमने प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारे सेंटेंसेस दिए हुए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने उन सेंटेंसेस को बनाया होगा। अगर बनाया है तो आप उनसे मैच कर लीजिए। अभी स्क्रीन पर उसका आंसर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आंसर देख लीजिए। पिछले क्लास में दिए हुए सेंटेंसेस के होमवर्क के ये सारे जवाब हैं, और इन सेंटेंसेस से अगर आपने अपना सेंटेंस बनाया है तो उसे आप मैच कर लो, टैली कर लो, जहाँ जहाँ गलती है उसको आप सुधार लो। ओके फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो, बाद में भी सुधार सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, और उन सेंटेंसेस का हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे सेंटेंसेस को लेकर। ओके फ्रेंड्स, नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव नकारात्मक को बोलते हैं। मीन्स जिस सेंटेंस में भी मत हो, ना हो, नहीं हो, वैसे सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे जो सरल फार्मूला बोल रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल ही आसान नेगेटिव बनाने का। किसी भी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना है तो उस सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद हम नॉट लगाते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो इज आर एम से संबंधित सेंटेंसेस सीख रहे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है। तो जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, वह मेरा भाई नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें नहीं आया। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक, यानी नॉट इसमें लगेगा तो ही वह के लिए ही बोलेंगे, ही इज। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा हम नॉट लिखते हैं। जो भी उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद हम नॉट लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ही इज उसके बाद नॉट लिखेंगे, नॉट माई ब्रदर। ओके फ्रेंड्स, शुरुआत में सीखते वक्त काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। कभी नॉट माई के बाद लगा देते हैं तो कभी ब्रदर के बाद नॉट लगाते हैं, कहीं भी वो नॉट लगा देते हैं, मीन्स कंफ्यूज होते रहते हैं। अब इस तरह के सेंटेंस में और ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं वो, जैसे उसका घर बड़ा नहीं है या उसका घर बड़ा नहीं है। अभी इस तरह के सेंटेंस में ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं लड़के। His is house not big, ऐसा लिख देते हैं। मैंने इसके पहले वाली क्लास में बताया था कि इस तरह का सेंटेंस हो तो उसको हम कैसे बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज रॉन्ग। His पहले लिखेंगे हाउस, हिज हाउस इज आ गया। अभी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, सीधा फार्मूला है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यानी इज आर एम के बाद नॉट, तो इसके बाद नॉट लगेगा, इज नॉट बिग। ओके फ्रेंड्स, तुम्हारे पिताजी तुमसे खुश नहीं है। तुम्हारे पिताजी तुमसे खुश नहीं है, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया। इसको हम बनाते हैं, तुम्हारे पिताजी हम पहले लिखेंगे, योर फादर इज नॉट, इसके बाद नॉट, हैप्पी तुमसे, तो विथ यू। ओके फ्रेंड्स, ये मुश्किल सवाल नहीं है, ये मुश्किल चीज़ नहीं है। नेगेटिव को समझना बहुत ही इजी चीज़ है। बस आप ये समझ लो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है किसी भी सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव हो उसमें चाहे उसका हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, कुछ भी हो, हैज़ हैव हो, वाज वर हो, शैल विल हो, या कैन कुड हो, कुछ भी हो, उसके बाद हम नॉट लगाकर उसको नेगेटिव बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, बहुत ईजी है। अभी से हम संबंधित इससे रिलेटेड कुछ और सेंटेंसेस लेकर प्रैक्टिस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, वे लोग अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, दे आर नॉट गुड प्लेयर्स। यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब है इसलिए आर के बाद नॉट लगेगा। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, आई एम नॉट योर फ्रेंड। वो सब तुम्हारी कुर्सियाँ नहीं हैं
दोज आर नॉट योर चेयर्स, वह तुम्हारा घर नहीं है, दैट इज नॉट योर हाउस। यहाँ पर हम ही कभी नहीं लगाएंगे, किसी भी चीज़ की जब बात कर रहे हो तो वहाँ पर वह के लिए दैट का ही इस्तेमाल करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो दैट इज नॉट योर हाउस। सीता तुम्हारी बहन नहीं है, सीता इज नॉट योर सिस्टर, तुम्हारी बहन उतनी तेज नहीं है। योर सिस्टर इज नॉट सो इंटेलिजेंट, अब यहाँ पर इतना उतनी के लिए हम सो का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो योर सिस्टर इज नॉट सो इंटेलिजेंट। ओके फ्रेंड्स, हम लोग तुमसे खुश नहीं हैं, वी आर नॉट हैप्पी विथ यू, तुम्हारी गाय काली नहीं है, योर काउ इज नॉट ब्लैक, उसकी बिल्ली फुर्तीली नहीं है, हिज कैट, अगर लड़के की बात कर रहे हैं हम तो हिज कैट, अगर लड़की की बात कर रहे हैं तो हर कैट, तो हिज कैट इज नॉट ब्लैक, मेरा कुत्ता पागल नहीं है, माय डॉग इज नॉट मैड, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, योर हेल्थ इज नॉट वेल, या इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं कि यू आर नॉट वेल, ठीक है, तबीयत की बात करेंगे कि योर हेल्थ इज नॉट वेल। ओके फ्रेंड्स, उसकी दुकान आज बंद नहीं है, हिज शॉप इज नॉट क्लोज टुडे, आज रविवार नहीं है, इट इज नॉट संडे टुडे। ओके फ्रेंड्स, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टुडे इज नॉट संडे, बट हम जब भी दिन तारीख समय की बात करते हैं तो वहां पर हम इट का ही इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसलिए यहां पर बोलेंगे हम इट इज नॉट संडे टुडे, या टुडे इज नॉट संडे भी बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यह खेलने का समय नहीं है, इट इज नॉट टाइम टू प्ले, तुम मुझसे खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी विथ मी, उसके खिलौने पुराने नहीं हैं, हिज टॉयज आर नॉट ओल्ड, तुम्हारी कार नई नहीं है, योर कार इज नॉट न्यू, यह काम की चीज़ नहीं है, इट इज नॉट यूजफुल थिंग, यह संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, यह तुम्हारी पेन नहीं है, इट इज नॉट योर पेन, तुम्हारी पेन लाल नहीं है, योर पेन इज नॉट रेड। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे सेंटेंसेस थे आपकी प्रैक्टिस के लिए, मीन्स मैं बोलता हूँ हिंदी और उसका जस्ट तुरंत मैं इंग्लिश बताता हूँ, इससे आपको समझ में अच्छी तरह से आ सकता है कि हाँ किस तरह के सेंटेंस का इंग्लिश किस तरीके से बनेगा। तो अब आपके लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको आप नोटबुक में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहे सेंटेंसेस आज का होमवर्क। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को या तो आप नोटबुक में उतारते जाओ या इसका स्क्रीनशॉट लेकर कहीं सेव कर लो। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो को देखते वक्त लाइक भी कर दिया कीजिए और कमेंट भी कर दिया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।